हेलो एवरीवन तो स्वागत है आप सभी का फिर से विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं पीटीटी केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज का हमारा होने वाला है रिएक्शन इंटरमीडिएट ये आपका बेसिक रहता है कोई भी ऑर्गेनिक जब आप पढ़ते हो तो आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उनकी आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए तो पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कार्बिनायन के बारे में तो पूछा है कि कार्बिनायन क्या होता है कार्बिनायन आपको क्या होता है कुछ इस तरीके का होता है ये होता है आपका कार्बिनायन और ये है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड तो ये क्या करता है आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है और इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती हैं एसिड बेस रिएक्शन में एज अ बेस भी काम करता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है इट एक्सेप्ट एज अ एंड एज बेस तो हमारा ऑप्शन सी जो है जिसमें है ए एंड बी तो यहां पे आपका एज एज अ अ बेस एंड तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमें स्टेबिलिटी यहाँ पे पूछी गई है कार्बोकेटाइन की तो हमें पता है कि कार्बो कैटायन जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है ये है ना अब कार्बो आयन में आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो ये क्या होती है आपकी ये आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को कौन स्टेबिलाईज कर सकता है तो इसको स्टेबिलाईज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ अटैच होना चाहिए तो वो उसको स्टेबिलाईज करेगा तो क्या होता है स्टेबिलिटी जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जैसा नेचर होगा उसी बेसिस पर हमारी स्टेबिलिटी वेरी करती है अब क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है यहाँ पे सीएल आपका अटैच है तो सीएल आपका माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है और प्लस एम इफेक्ट भी लगाता है तो यहाँ पर क्या होता है लेकिन जो हेलोजन होते हैं उनका ओवरऑल आपका माइनस आई डोमिनेट करता है ये इसमें प्लस एम भी लगता है बट है।, है उसी तरीके से ये जो -M लगाता है। यहां पर आपके पास माइनस एम बहुत ज्यादा लग रहा होता है ठीक है और जो आपको थर्ड ऑप्शन में गिव है थर्ड ऑप्शन में आपके पास ये ओ सी एच टी ग्रुप लगा है और ओ सी एच टी में आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये यहां से आपका इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा और इधर पर लग रहा होगा प्लस एम इफेक्ट तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है आपका कंपेयर टू अदर ऑप्शंस आपका स्टेबलाइज हो जाता है और लास्ट में यहाँ पे कुछ भी उप, कुछ भी गिवन नहीं है तो इसमें तो कंपेयर करेंगे जब हम तो यहाँ पर माइनस आई लग रहा है यहां पर माइनस एम लग रहा है तो हमारी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे तो यहाँ पर हमारा इसी वजह से क्या होता है आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेट आपका बन जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से स्टेबिलिटी पूछी गई है लेकिन यहां पर हमें कार्बेन आयन के बारे में पूछा गया है कि कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कार्बे आयन हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, है ना या कह लो आप यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है अब आप यहाँ पे देखोगे जब आप स्टेबिलिटी बताओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप में आपको इलेक्ट्रॉन विधड्रॉइंग ग्रुप आपके पास होने चाहिए है ना बट यहाँ पे आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर क्या देखना होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं जैसे यहाँ पर आपको सब में नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आपको पता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगी तो नेगेटिव चार्ज उस पर उतना ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां पर आप एक बात लिखो कि क्या होता है नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है तो अब हम कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अब आप यहाँ पर देखो तो ये जो आपका ऑप्शन ए है ऑप्शन तो ए में क्या है आपका ये जो कार्बन है ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसी तरीके से ये वाली स्पीशीज क्या है ये वाली स्पीशीज आपकी कुछ इस तरीके से है ये आपके पास फिनाइल एटम है और यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये वाला आपके पास यहाँ पर जो कार्बन रहा है ये आपका sp2 पी हाइब्रिडाइज रहा है बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये आपका sp2 हो गया सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला जो कार्बन है आपका ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही रहा है बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास डबल बॉन्ड देखने को आपको मिलता है और इधर पर जब आप देखेंगे तो इधर पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होता है ये आपका होता है एस थ्री कार्बन और हमें एक बात केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी है कि क्या होता है कि जो आपके पास अगर परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो यही जो फैक्टर है ये आपका यहाँ पर काम में आने वाला है आपका ऑर्डर बताने में कि आपका क्या करेक्ट ऑर्डर रहा होगा तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर के अब हम यहाँ पे बता हमने ये बात लिखी थी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे स्टेबल होता है तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके हमें क्या समझ में आता है हमें यह समझ में आता है कि जो नेगेटिव हमारा चार्ज है जिसपे परसेंटेज एस सबसे ज्यादा रहा होगा वही आपका मोस्ट स्टेबल कार्बन रहा होगा यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्या होता है कि परसेंटेज एस जो है हाइएस्ट ऑन एस पी कार्बन कितना रहता है यहां पर 50 परसेंट आपको एस कैरेक्टर देखने को मिलता है और यहां पर क्या होता है आपके पास sp2 में 33% समथिंग होता है और इसी तरीके से आपके पास sp3 में 25% होता है तो यहां पर सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होने की वजह से आपका जो ऑप्शन ए होता है ये आपका मोस्ट स्टेबल आपका फॉर्म करता है ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें बताना है एरोमेटिक कंपाउंड हमारा कौन सा होगा तो एरोमेटिसिटी के लिए हमारे पास क्यों क्या होता है कि जो एरोमेटिसिटी जब आप बताते हो इसके लिए आपके पास एक रूल होता है वो क्या होता है आपके पास 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन का आपके पास रूल होता है और ये रूल जो होता है ये किसका रूल है ये है आपका हकल्स रूल ये आपका हकलस रूल होता है तो जहां पर भी जिस एटम में फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे वही आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा है ना तो चलिए चेक करते हैं कि करके कि किस में आपके पास 4n plus 2 pi electrons देखने को मिलते हैं। तो जब हम फर्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे A में, तो आप देख सकते हो कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल आपके पास यहाँ पर क्या है आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ठीक है या आप कह लो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर हो गए

तो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है कुछ इस तरीके से ये होती है आपकी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ये आ गया आपका सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो आप यहां पर देखोगे ये जो आपके पास फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आए तो यहां पर क्या होता है कि जो फोर पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है वो आपका एंटी एरोमेटिक होता है मतलब यहां पर जैसे फोर एन प्लस टू रूल जो है ये जो होते हैं ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसी तरीके से क्या होता है कि जो आपके फोर पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होते हैं या आप कह लो फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम होता है ये जो होते हैं ये आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये आपको मैं एडिशन बता रही हूँ यहाँ पर आपका इसका यूज नहीं है क्योंकि आपका सिर्फ उससे ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा बट ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है ये एंटी एरोमेटिक होता है और ये वाले सिस्टम हाईली अनस्टेबल होते हैं

उस प्रोडक्ट में हमें बताना है कि कौन सा फ्री रेडिकल हमारा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो रहा है तो यहां पर क्या हम चेक करेंगे कि इसमें जब हम यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा तो कुछ ये यह यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा और ये जो है यहां पर आप देखो तो क्या रिएक्शन होती है कि ये जो बॉन्ड है कुछ इस तरीके से क्लीव होगा और ये एक रेडिकल इधर पर आ जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन यहाँ पर होगी ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर सी एच थ्री और ये एक रेडिकल आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ठीक है उसी तरीके से जब आप इधर पर रिएक्शन कराओगे तो इधर पर जब आप रिएक्शन कराते हो लेटर सपोज आपको ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हम मोस्ट स्टेबल जो आपको कार्बो फ्री रेडिकल जो फॉर्म हो रहा है वो हम अपना ड्रॉ कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास ये एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा होगा और यहाँ पर जब आप बात करोगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये बॉन्ड टूट रहे होंगे और क्या होगा ये यहाँ पर दो पी है और यहाँ पर आपके पास एक सी एच थ्री ग्रुप आया और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल आपके पास एक जनरेट हुआ और ये आपका पी और पी और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका ये सी एच टू और ये आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर ये सी एच थ्री एड हो जाता है तो ओवरऑल आपके पास ये चार प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो गए तो अब आप इसमें से चेक करोगे कौन सा मोस्ट स्टेबल आपका फ्री रेडिकल यहां पर फॉर्म हो रहा है फ्री रेडिकल क्या होता है फ्री रेडिकल आपकी क्या होती है फ्री रेडिकल जो है ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं आउटर शेल में और इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंप्लीट तो नहीं है टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में तभी तो तो कंप्लीट होगा ओवरऑल क्या होते हैं ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज में फॉल करती है तो जो आपको जहां पर मोस्ट स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये जो फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर क्या है आपके पास हाइपर कंजेशन आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे इसी तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा टोटल यहाँ पर थ्री आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे और ये आपके हाइपर कंजुगेशन में स्टेबल है और यहां पर आपके पास क्या है यहां पर आपके पास ये ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस रेजोनेंस लग रहा है है आपका ग्रेटर फैक्टर होता हाइब्रिडाइजेशन और पर आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इसी तरीके से जब आप इसमें देखोगे तो यहां पर आपके पास क्या है यहां पर आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन जो हैं ये आपके प्रेजेंट है तो यहां पर आपके पास प्लस एच लग रहा है और यहां पर जब आप बात करते हो ना ये जो फिनाइल ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप आपका फ्री रेडिकल तो हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी कहां पे प्रोवाइड हो रही होगी आपकी ऑप्शन सी में

जैसे अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर जब आप वन टू शिफ्ट कराओगे तो ये हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकते हैं और क्या ऑर्डर होता है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास ऑर्डर होता शिफ्ट का और इसको आप लर्न कर सकते हो कुछ इस तरीके से राइम हमारा प्यारा राजस्थान करके आप इस तरीके से इसकी राइमिंग को

हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराते हो और हाइड्रोजन का जब आप वन टू मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर आपने क्या कराया वन टू हाइड्रोजन का आपने शिफ्ट कराया क्योंकि यही हमारा ऑर्डर है तो क्या निकल के आएगा हमारे पास ये रिंग तो एज इट इज रहेगी और इधर पर आपका हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट कर चुका है ये जब आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके से जो आपका हाइड्रोजन होगा ये आपका हाइड्रोजन कुछ यहाँ पर इस तरीके से आ रहा होगा और ये यहाँ पर इस तरीके से माइग्रेट करेगा आप इसको यहां पर करके अलग से समझ लेते हैं वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा ये कुछ इस तरीके से आपका गिवन है और यहाँ पर आपके पास सी एच थ्री गिवन है तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहां जाता है और पॉजिटिव चार्ज आपका बीच वाले पर आ जाता है और आपका क्या बनता है आपका यहाँ पर आ जाता है कार्बो कटाइन सेंटर पे और हाइड्रोजन पहुंच जाता है इस जगह पे और इसी तरीके से यहाँ पर सी एच थ्री ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये यह आपकी यहाँ पर रिंग प्रेजेंट है तो ये आपका फॉर्म होता है वन टू हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यानी कि हमारा यहाँ पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको गिवन है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पर फॉर्म होता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हमें पूछा हुआ है कि ट्रिपलेट नाइट्रेन नाइट्रीन की यहां पर हमें पूछी गई है स्पिन मल्टीप्लीसिटी तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी क्या होती है कि सबसे पहले आप देखो कि ट्रिपलेट नाइट्रीन क्या होती है नाइट्रीन क्या होती है हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है ये हमारे पास नाइट्रीन है ये हमारे पास नाइट्रीन है और इधर पे क्या होता है आपके पास ट्रिपलेट नाइट्रीन में एक लोन दो लोन पेयर आपके इस तरीके से होते हैं और आपका यहाँ पर क्या होता है दो आपके अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स दो आपके पेयर्ड होते हैं और दो आपके अनपेयर्ड होते हैं ये आपकी क्या होती है ये आपकी होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन ये आपकी ट्रिपलेट नाइट्रीन हो गई अब हमें बचाना है कि यहां पर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका फॉर्मूला होता है आपके पास टू एस प्लस वन ये आपके पास फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ठीक है तो इस फॉर्मूले से हमें बताना है कि आप बताओ कि यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होगी एस की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो जो एस होता है यहाँ पर हमारे पास वो हम कैलकुलेट करते हैं आपकी कैसी है? तो जब हमारे पास क्या है दोनों ही सेम स्पिन में आपके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक की वैल्यू क्या होती है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की एस की वैल्यू होती है प्लस हाफ और हमारे पास यहाँ पर दो प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा प्लस हाफ प्लस यहाँ पर एस की वैल्यू आती है प्लस हाफ और इसमें भी आप ऐड करते हो प्लस हाफ फॉर टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी आपके पास क्या वैल्यू निकल कर आती है प्लस वन आपके पास ये एस की वैल्यू निकल कर आती है बस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला आपके पास गिवन है तो आप ये इसमें डायरेक्टली पुट कर दोगे टू इंटू वन प्लस वन आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास हो जाती है फॉर ट्रिपलेट नाइट्रीन दैट इज इक्वल टू थ्री

तो कोई भी चीज इजिली लॉस कैसे होगी मान लीजिए जब आप इसका प्रोटोन लॉस कराओगे उसके बाद बनने वाला जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है आपकी रिएक्शन भी उतनी ही फिजबल होगी यानी कि जो प्रोटॉन लॉस के बाद हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो जितना स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा आपकी प्रोटॉन लॉस की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो हम देखेंगे सबका प्रोटोन लॉस करा कि आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है जब आप इसका प्रोटॉन लॉस कराते हो तो माइनस का आप इसमें एच प्लस कराया तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आपका एक हाइड्रोजन है ये आपका सी एच टू तो जब आप प्रोटॉन लॉस कराओगे तो कुछ इस तरीके से कराओगे और ये एच प्लस आपका निकल जाएगा तो आपको क्या बनेगा आपका यहाँ पर ये सी एच टू और ये यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हुआ तो आपका ये सी एच टू और इस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया उसी तरीके से जब आप बी में आप प्रोटॉन लॉस कराओगे तो आपका यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से क्या होगा ये सी एच टू है मान लीजिए और ये आपका हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी जब आपने प्रोटॉन लॉस कराया आपके पास क्या हुआ ये आपके पास फॉर्म हुआ कुछ इस तरीके से ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट आपका प्रोटॉन लॉस ये आपका बी का बन गया अब हम देखेंगे कि हमारे पास सी का क्या बन रहा है सी में जब आप देखोगे तो ये आपने हाइड्रोजन का लॉस कराया यहाँ पर ये यह आपने हाइड्रोजन का लॉस कराया तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर आपके पास ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आया एक और डबल बॉन्ड और ये आपके पास आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बन बन जाता है 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 जो कि आपका बहुत स्टेबल होता है. या क्या बेंजीन रिंग गई एरो पर इसी तरीके से जब आप यहाँ पर प्रोटॉन लॉस कराते हो तो आपके पास क्या बनता है ये आपने प्रोटॉन लॉस कराया तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस कार्बन पे आपके पास दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच्ड हैं और यहाँ पर आप आपके पास हाइड्रोजन थी का लॉस हुआ और ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनकर आता है तो ये हमने सारे सारे प्रोडक्ट्स ड्रॉ कर लिए कि आपके प्रोटॉन लॉस के बाद क्या प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होंगे ठीक है तो ये जब हमारे प्रोडक्ट्स हमने ड्रॉ कर लिए तो अब देखोगे आप कि हमारा कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक कंपाउंड और बाकी हमारे पास क्या होता है ये यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है और इसमें आप हाइपर कंजुगेशन जब देखोगे तो आपके पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें आपकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसी तरीके से इसमें जब आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पर थ्री और यहाँ पर थ्री तो आपके पास टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है उसी तरीके से इसमें क्या है आपके पास थ्री प्लस थ्री आपके पास इसमें भी सिक्स अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं बट हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा हमारे पास क्या मेजर फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी तो ये आपका इसी वजह से ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कहलाता है ठीक है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ तो so, हम देखते हैं क्या है हमें गिवन कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ये आपको रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे अब ये रिएक्शन आपको बताना है कि ये जो आपकी रिएक्शन होती है ना बच्चों ये इस तरीके से जब आपके पास एल्किल दे दिया और एन टू तो ये आपकी होती है बेंजाइन इंटरमीडिएट की रिएक्शन ये जो आपको स्टार्टिंग में आपको जो सेट पहचानना आता है ऑर्गेनिक में अगर तो आप ये देख के पहचान सकते हो ये आपकी एल्काइन इंटरमीडिएट की रिएक्शन है यहाँ पर आपका क्या होता है एल्काइन नहीं सॉरी बेंजाइन इंटरमीडिएट की आपकी रिएक्शन यहां पर ये होती है ये आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है और बेंजाइन इंटरमीडिएट जब फॉर्म होता है तो कैसे होता है ये रिएक्शन जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है जैसे ये आपका ओ सी एच थ्री है और ये आपके पास बेंजीन रिंग है और जब आप यहाँ पर ये जो आपके पास ब्रोमीन है ये क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर होता है आपके पास एलिमिनेशन और एलिमिनेशन से आपके पास ब्रोमीन आपका एलिमिनेट हो जाता है माइनस का बी आर माइनस इस तरीके से एलिमिनेट होकर आपके पास क्या होती है सबसे पहले आपके पास एलिमिनेशन आपके पास रिएक्शन होती है और एलिमिनेशन के बाद आपके पास क्या फॉर्म होता है आपके पास फॉर्म होता है एलिमिनेशन के बाद कुछ इस तरीके से बेंजाइन इंटरमीडिएट ये है आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट आपका यहाँ पर फॉर्म होता है और जब इस बेंजाइन इंटरमीडिएट में आपका एनएनएच का आपके पास रिएक्शन आप कराते हो तो क्या होता है इसमें आपके पास यहाँ पर फॉर्म होता है फिर ये आपका एन एच टू कुछ इस तरीके से आता है और आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से आपका कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है बीच में ऐसे और भी स्टेप्स हैं बट वो हम डिटेल में नहीं देखेंगे हमें क्योंकि यहाँ पे सारे ही जितने आपके हैं प्रोडक्ट सब में एक ही तरीके का आपके पास प्रोडक्ट देखने को मिलता है तो हमारे पास उसने क्या है कि प्रोडक्ट उसने फिक्स करके रख दिया है आपको सिर्फ ये देखना है कि बीच में स्टेप्स क्या फॉलो हुए हैं बिकॉज़ हमें ऑप्शन है उसी हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमारा रिएक्शन में क्या हो रहा होगा तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास आया एन और ये क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर आपके पास एडिशन देखने को मिलता है तो ओवरऑल आपके पास क्या हो रहा है ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और यही प्रोडक्ट हमें गिवन है तो इसमें हमें बताना है प्रोडक्ट पी जो है सब में सेम है तो हमें क्या डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सी तरीके की रिएक्शन हो रही होगी एडिशन एलिमिनेशन एडिशन सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन या साइन सब्सटीट्यूशन तो हमें पता है कि हमने देखा कि पहले हमारे पास एलिमिनेशन हुआ देन उसके बाद हमारे पास क्या है ये एलिमिनेशन हुआ उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एडिशन हुआ तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गई हमारे पास हो गई ये रिएक्शन एलिमिनेशन एडिशन काइंड ऑफ रिएक्शन और ये हमें गिवन है यहाँ ऑप्शन नंबर सी में तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल आपको फ्री रेडिकल बताना है तो आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है स्टेबिलिटी मैंने बताई थी अभी हमने पीछे भी क्वेश्चंस डिस्कस किए तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल होता है उसका क्या, क्या होता है स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा आपका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा बिकॉज ये क्या होता है आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज होती है है ना ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज होती है बिकॉज क्या होता है ये सेवन इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है कुछ और जब हम इनमें देखेंगे तो क्या है हमारे पास सी एच थ्री है ये आपका फ्री रेडिकल है और इसी तरीके से यहां पर आपके पास गिवन है आर सी एच टू और ये एक फ्री रेडिकल गिवन है ये आपके पास A है, ये आपके आपके पास पास है है और इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन सी है क्या यहां पर आपके पास दो आपके पास दो आर ग्रुप है और आपके पास क्या है ये एक हाइड्रोजन है और एक रेडिकल है और लास्ट ऑप्शन डी में आपके पास गिवन है सी आर 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 और R. तो आपको इसमें से बताना है कि आर और एच में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो जब हम बात करते हैं इसकी तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू तो एल्काइल ग्रुप तो हमारे पास जहां पर ज्यादा ग्रुप होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ये क्या होते हैं प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी तो यहाँ पर हमारे पास तीन तीन आपको आर ग्रुप देखने को मिलते हैं इसी वजह से आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपका है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है of of आपको ऑप्शन ए में गिवन है वन डिग्री कार्बन वन डिग्री कार्बन का मतलब क्या है कि आपके पास सारे के सारे हाइड्रोजन ही अटैच्ड है तो क्या है इस केस में आपके पास कुछ इस तरीके का आपका होता है वन डिग्री कार्बन ये क्या है आपके पास वन डिग्री और जब आप बी ऑप्शन में देखोगे तो आपके पास क्या है सॉरी आपके पास वन डिग्री कार्बन में क्या होता है आपके पास एक कार्बन अटैच होता है तो ये जो है आपका एक आपके पास लेटर सपोज यहाँ पे CH3 अटैच है इसी तरीके से जब आप टू डिग्री की बात करोगे यानी कि आपके पास दो कार्बन अटैच रहने वाले हैं और दो कार्बन के साथ ये कुछ आपका बन जाता है ये टू डिग्री कार्बन है ना उसी तरीके से जब आप ऑप्शन सी की बात करोगे तो ऑप्शन सी में आपके 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 पास पास है डिग्री कार्बन यानी कि एक सेंटर से अटैच रहने वाले हैं और ये आपका हो गया हाइड्रोजन ये आपका थ्री डिग्री कार्बन हो गया है ना और जब आप डी की बात करते हो तो डी में आपको गिवन है नियो कार्बन नियो कार्बन होता है जिसके सारे साइड्स आपके कार्बन से अटैच होते हैं यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कुछ इस तरीके से आपके सारे साइड्स जो होते हैं वो कार्बन से अटैच होते हैं और ये इसका आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है तो ये होता है आपका नियो कार्बन अब हमें पूछा है यहाँ पर कि आपका एब्सट्रेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर व्हेन अटैच टू तो हाइड्रोजन का एबस्ट्रेक्शन होने से क्या होगा कि हाइड्रोजन का एबस्ट्रेक्शन जब होगा तो माइनस एच प्लस के फॉर्म में आपका निकलेगा क्या होगा माइनस आपका एच प्लस निकलेगा और एच प्लस निकलने के बाद आपका कहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल आपकी स्पीशीज बन रही है वही आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल आपका वहां से हाइड्रोजन का एबस्ट्रेक्शन पॉसिबल होगा तो हाइड्रोजन एब्सट्रेक्शन के बाद जब आप देखोगे कि आपकी यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन का आपके पास एब्सट्रेक्शन होता है तो क्या होगा यहाँ आपके पास जो कार्बन है यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन एब्सट्रेक्ट हो गया तो आपके पास इधर पर पॉजिटिव हाइड्रोजन तो इसमें इसमें का करोगे, तो बगल वाले पे आपके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसी तरीके से जब आप इनमें चेक करोगे तो इसमें नाइन आते हैं इसमें सिक्स आते हैं और इसमें थ्री आते हैं ओवरऑल सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर आपके पास ईज ऑफ एबस्ट्रेक्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि थ्री डिग्री कार्बन से सबसे ज्यादा इजिली पॉसिबल होती है तो ठीक है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है आयन आयन कैन अंडर को अब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कार्बेन आयन क्या होता है ये एज अ न्यूक्लियल की तरह भी वर्क करता है ये आपके पास एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है न्यूक्लियो फाइल वर्क करेगा तो क्या होगा ये कुछ कार्बोनल वगैरह रिएक्शन जो होती है ना कार्बोनिल आपका क्या होता है कार्बन जो इलेक्ट्रॉन होता है डिफिशियलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और उसमें वहां पर ये की तरह वर्क करता है और दूसरा हमने ये देखा था कि ये बेस भी आपका वर्क कर रहा था पहले ही क्वेश्चन में हमने चेक किया था ये दूसरा आपका क्या था आपका बेस की तरह भी वर्क करता है अब हमें बताना है कि कार्बन आयन जो है डेट के रिय अरेजमेंट तो इसमें नहीं होती है क्योंकि कार्बन आयन आपका स्टेबल हो जाता है तो दूसरे में हमें गिवेन है कॉम्बिनेशन विद कैटायन अब कार्बन आयन क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज है क्या है ये आपका नेगेटिवली चार्ज है और चार्ज है तो आपका किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से आपका रिएक्ट तो करेगा ही ना सिंपल सी बात है नेगेटिव जो चाहे पॉजिटिव के साथ आपको ईजिली रिएक्ट करेगा तो ये तो आपका सही है और दूसरा आपके पास क्या गिवेन है कि एडिशन टू अ कार्बोनिल ग्रुप तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और वहां पर ये कार्बोनिल पे आपका एडिशन रिएक्शन शो करता है ये ऑप्शन भी आपका सही ऑप्शन हो जाता है और लास्ट में हमें गिवेन है बोथ बी एंड सी तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्री रेडिकल्स आर अब क्या होता है है कि ये रेडिकल आपके पास कुछ इस तरीके से होता है इसमें आपको बताया था मैंने कि मान लीजिए सी एच थ्री है सी एच टी किस तरीके का हो गया और ये एक फ्री रेडिकल तो दो इलेक्ट्रॉन यहां, यहां से दो यहां से दो यहां से और एक यहां से जो तो टोटल यहां पर आपके पास होते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन तो ये आपका रिएक्टिव होता है बिकॉज आपके पास क्या है एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये अकेला क्या होता है आपके पास पता है कि अगर आपके पास किसी स्पीशीज में लोन पेयर भी होते हैं ना तो वो भी बहुत रिएक्टिव होते हैं और फिर तो आपने यहाँ पर एक ही अकेले लोन पेयर लोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अकेला छोड़ दिया फिर तो ये कितना ही ज्यादा रिएक्शन आपकी फास्ट शो करता होगा तो इसमें आपके पास क्या होता है फ्री रेडिकल में मेन रीजन क्या होता है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की वजह से ये आपका मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है जब आप इसमें इसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ये आपका क्या होता है केमिकली आपका रिएक्टिव होता है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी जो है यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस यहाँ पे आपके पास वन टू और थ्री आपके पास गिवन है ये वन टू और थ्री आपके पास गिवन है तो अब आपको बताना है कि आपके पास इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताना है तो अब आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो कार्बो केटाइंस का हमने बताया था कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होते हैं ये तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें जितना ज़्यादा अटैच होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है तो क्या होता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तो आप सबसे पहले में देखोगे तो ये आपके पास सिर्फ बेंजीन रिंग अटैच है और बेंजीन रिंग अटैच है तो मतलब क्या है ये आपके पास यहां पर ये यह ये आपके पास प्लस M, और आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्टेबलाइज आपको कर रहा होगा ठीक है उसी तरीके से जब आप इसमें तो आपके पास यहां पर हाइड्रोजन तो से आपके पास और इस हाइड्रोजन से आपके पास क्या होते हैं टोटल आपके पास फाइव अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होते हैं और आपके पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्लस एच आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है उसी तरीके से जब आप ऑप्शन थर्ड में देखते हो तो क्या होता है कि ये वाला आपके पास सी एच टू ग्रुप है इसके बगल वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है आपके पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आपके पास इसके अलावा आप देख सकते हो कोई भी स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे ओवरऑल आपके पास वर्क नहीं कर रहा होता है तो क्या होता है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं हमें बताया कि रेजोनेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपकी डेंसिटी रखता है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और ये हमारे सबसे टॉप पे है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा तो सबसे पहले आ गया और फिर आपका आ जाता है सेकेंड वाला तो ये आपके पास ऑर्डर आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की तो हमारे पास ये ऑर्डर कहाँ पर दे रखा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वन इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल हमने वही बात करी थी अभी कि हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका होने वाला है तो यहाँ पर तो आपके पास कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है तो यहाँ पर तो आपका ये कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है और एन टू तो आपका इलेक्ट्रॉन तो 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 विबल कर रहा है।, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होता है इसी तरीके से जब आप ऑप्शन डी में देखोगे तो ये आपका क्या होता है ओ एच ग्रुप जो है आपका यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो करता है तो ये आपका प्लस एम इफेक्ट से ये आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होता है और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखोगे सी एच थ्री ग्रुप सी एच थ्री आपका प्लस एच भी शो करता है और प्लस आई भी शो करता है ठीक है पर प्लस एच हम ज्यादा प्रीडोमिनेंट लगते हैं बिकॉज इसका इफेक्ट ज्यादा होता है अब हमें पता है कि प्लस एम में और प्लस एच में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो प्लस एम ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू प्लस एच और इससे भी कम क्या होता है प्लस आई ये आपका ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हो आप पर आपका प्लस एम लग रहा है तो आपका हमें बताना है, कि यहां पे आपको of of आपको बताना है. तो यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन में एक ही गिविन है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या ऑर्डर निकल कर आता है तो सबसे पहले आप देखो कि यहां पर आपके पास क्या है गिवन कि आपके पास CH है और आपके पास C6H5 ये आपके पास फिनाइल रिंग है और यहां पर आपके पास C6H5 ऐसी दो फिनाइल रिंग्स है और ये आपका रेडिकल है और इसमें आपके पास दो फिनाइल रिंग्स आ गई जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स आएंगी उतना ही ज्यादा आपके पास क्या है स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये आपके पास क्या है ये आपके पास यहां पर आपके पास टोटल C6H5 ऐसे करके आपके पास तीन फिनाइल रिंग्स आ गई तो ये आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है और इसी तरीके से आपके पास फिर आ गया बस CH3 तो क्या है यहाँ पे आपके पास अब गिवन है एक CH3 ये CH3 और ये एक फ्री रेडिकल और लास्ट में आपके पास क्या गिवन है आपके पास दो CH3 यहाँ पर आपके पास तीन CH3 गिवन है ये आपके पास तीन CH3 हैं और इसी तरीके से लास्ट ऑप्शन में आपके पास एक दो सी एच है तो हमें बताया कि हमारे पास सबसे ज्यादा ये स्टेबल होती है ये स्टेबल होती है इसमें तीन अटैच है और इसमें दो अटैच है तो ये वाली इसमें ज्यादा स्टेबल हो जाती है और इसी तरीके से यहाँ पर जब आप देखोगे तो जितने ज्यादा एलकाई ग्रुप अटैच होंगे यहाँ पर तीन अटैच है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और इन दोनों में से जब आप कंपैरिजन करोगे तो फिनाइल और एलकाइल में ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है आपका फिनाइल ग्रुप तो जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या आ जाता है सी सिक्स एच फाइव का होल थ्राइस वाला आपका जो रेडिकल है कार्बन का ये आपका मोस्ट स्टेबल होता है उसी तरीके से जब आप बात करते हो तो आपका सी सिक्स एच फाइव जब आपके दो अटैच हैं और सी एच के साथ एक रेडिकल है तो ये आपका सेकेंड नंबर पे आ जाता है फिर इसके बाद आता है आपके तीनों जहां पर आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आपके पास क्या है ये सी एच थ्री तीनों ही आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये आपके पास इसके बाद ऑर्डर में आ जाता है और लास्ट में आपके पास आ जाता है सी एच थ्री जहाँ पर दो आपके मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऑर्डर आपका निकल कर आ जाता है तो ये रहा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हम अपना मैच कर लेंगे कि हमारा कहाँ पे मैच कर रहा है ये वाला तो ऑप्शन नहीं था और यहाँ पे सी सिक्स एच सिक्स दे दिया ये तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है ऑप्शन में और लास्ट यहाँ पे हमें दे रखा है थर्ड ऑप्शन में ये ये और फिर आपका वाला और ये आपका थर्ड ये आपके पास ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट में क्या है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग थ्री कार्बोन कार्बोनियम आयंस कार्बोनियम भी आपके पास क्या होते हैं सी पे प्लस चार्ज जो होता है कार्बोकेटायन की तरह ही होते हैं उसकी वेराइटी होती है कार्बोनियम ions. तो यहाँ पे आपके पास तीन कार्बोनियम आयंस गिवन है तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है तो अब आप जब यहाँ पर देखते हो तो आप देख सकते हो कि तीनों में ही आपके पास क्या है रेजोनेंस तो हर जगह ही है तीनों में ये तो बराबरी से ही लग रहा है तो ये तो आपका इक्वल इफेक्ट हो गया तो ये तो आपका ऑर्डर नहीं बता पाएगा भाई कि कौन सा ज्यादा स्टेबल आपका रहने वाला है तो अब दूसरा फैक्टर आप क्या देखोगे आप देखोगे इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो आप देखोगे बगल वाले पे कितने हाइड्रोजन हैं इस पे आपके पास क्या है आपके पास इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ये फर्स्ट वाला है दूसरे पे आप देखोगे तो दूसरे में आपके पास इस कार्बन इससे आपके पास जो अटैच है तो यहाँ पे आपके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है यानी कि जीरो अल्फा हाइड्रोजन और थर्ड में जब आप देखते हो तो इससे आपके पास क्या है आपके पास टोटल इसमें भी एक, एक अल्फा हाइड्रोजन आपका अटैच है तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि इस पे तो नहीं है तो ये थर्ड, सेकंड वाला जो है तो ये तो आपका सबसे लीस्ट स्टेबल आपका हो गया अब इसके बाद क्या है कि इनमें फर्स्ट में और सेकंड में ये आपके ओवरऑल सेम ही होते हैं बिकॉज क्या होता है कि रेजोनेंस तो आपका कोई इफेक्ट नहीं दे रहा और दूसरा हाइपर कंजुकेशन से भी दोनों में सेम ही अल्फा आए तो दोनों की ही स्टेबिलिटी क्या होती है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है तो क्या होता है आपके पास फर्स्ट है और जो थर्ड है इसकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट आपके पास इक्वल ही आ जाती है और ये होता है आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक है तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है टेंडेंसी एक्सेप्ट लोन ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है ना इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो कह लो ये क्या होती है या पास इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज होती है तभी तो ये एक्सेप्ट करेगी तो अब क्या होता है कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवे ना सी एल प्लस तो ये आपका क्या होता है इसमें लोन पेयर्स तो होते हैं बट ये क्या होता है कि सी एल प्लस जो है वो सी एल माइनस के साथ आपका रिएक्ट कर जाता है और आपका यहाँ पर ये क्या है कुछ केसेस में आपके पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है ठीक है तो आपके पास cl+ और cl- क्या है, तो दिखेते दिखेते है? ये दोनों रिएक्ट करके cl2 गैस बना लेते हैं तो ये आपका क्या है कि ये इसमें लोन पेयर्स तो होते हैं बट ये आपका कहीं-कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल तो क्या है वर्क करता है तो आपका ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है तो और आपके पास bh3 में आपके पास पता है कि bh3 में क्या होता है टोटल आपके पास 6 लोन पेयर्स होते हैं bh3 क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है तो क्या होता है यहाँ पे इसके पास वन टू थ्री टोटल आपके पास सिक्स आप, पास प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल तो है? है? मतलब है? वर्क करती है ये तो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है और NO2+ भी क्या होता है आपका एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और बहुत सी आपके पास रिएक्शंस होती हैं उसमें NO2 की आपको देखने को मिल जाएंगी आपका क्या होता है ये बहुत सी जगहों पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है नाइट ये वाला जो NO2+ आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है पर ये जो आपका H3O+ होता है ना जब आप H3O+ की बात करते हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपके पास कुछ इस तरीके का H3O+ का स्ट्रक्चर होता है और यहां पे SP+ पे चार्ज होता है साथ में क्या होता है इसके पास दो एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट होता है तो ये जो आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना तो ये इसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है प्लस चार्ज भले ही है इस पे. बट ये क्या है इलेक्ट्रॉन इस इसका कंप्लीट होता है इस वजह से क्या होता है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करता है और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका यही जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है बच्चों तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अरेंज द इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें बताना है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आपके पास वन टू थ्री आपके पास गिवन है तो ये आपका क्या है नेगेटिव मतलब आपके पास यहाँ पे कार्बेनाइन है कार्बिनाइन तो कैसा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है और इलेक्ट्रॉन रिच को आप कैसे स्टेबलाइज करोगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट से उल्टा कर दो आप तो क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है ना आपकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच तो हमें देखना है इलेक्ट्रॉन ग्रुप और फिर उसके बेसिस पे हम बता देंगे कि आपकी कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल रहने वाली है तो जब आप यहाँ पर बात करते हो तो ओ क्या है ओ आपका प्लस एम भी इफेक्ट लगाता है इसके लोन पेयर्स के थ्रू ठीक है और क्या होता है ऑक्सीजन का आपके पास माइनस आई भी वर्क करता है माइनस आई ज्यादा वर्क नहीं करते बट होता तो है ना ऑक्सीजन का माइनस आई तो हमारा डोमिनेटिंग तो प्लस एम ही होता है तो यहाँ पर ये दो इफेक्ट वर्क करते हैं लेकिन प्लस एम डोमिनेटिंग होता है तो यही हम कंसिडर करते हैं दूसरा क्या होता है ये आपको ओ सी एच सी दिया हुआ है मेटा पोजिशन पे तो ये बात आपको बताती हूँ मैं कि जब मेटा पोजिशन होती है तब आपका उस केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव ही वर्क करता है जब भी आप मेटा पोजिशन पे आते हो ना तो यहाँ पर क्या होता है ओनली आपका क्या है ओनली इंडक्टिव वर्क ओनली इंडक्टिव को आप कंसिडर करते हो यहाँ पे आप प्लस एम कंसिडर नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ही आपका लग रहा होता है इसी तरीके से जो ये आपका पैरा पोजिशन है पैरा में आपके पास प्लस एम लग रहा होगा और आपके पास माइनस आई भी लग रहा होगा

इसमें और इसमें आपको कंपैरिजन करना है तो प्लस एम तो दोनों में ही लग रहा है और प्लस एम क्या होता? होता है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता बट आपका क्या होता है ये जो माइनस आई है ना इस डिस्टेंस डिपेंडेंट ये आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और क्या होता है जितनी ज्यादा डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाती है उतना ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट का असर क्या है कम होता जाता है तो यहां पर क्या है आपकी ये आपकी या आपकी ऑर्थो पोजिशन है और ये आपकी पैरा पोजिशन है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस एम से तो आप दोनों से कुछ आंसर नहीं दे सकते बिकॉज दोनों का

कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपके पास ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपको देख के लगा कि क्या आठपटा सा दिया हुआ है भाई बीच में ये तो आपको बता दू ये जो रिंग्स होती है ना यहाँ पर क्या होता है ये जो आपका साइक्लो आपका प्रोपेन ग्रुप होता है ये आपका यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस होता है और डांसिंग रेजोनेंस एक्सेप्शनली आपका क्या होता है ये आपका बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है आपका ये आपका मिजोमेरिक से भी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो आपका डांसिंग रेजोनेंस होता है और ये आपका यहाँ पे भी लग रहा है यहां पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है इसमें आपके पास नहीं है और ये क्या होता है यहाँ पर आपके पास बाहर भी लग रहा होता है ये आपके पास तीन तीन रिंग्स हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ जाएगा आपके पास इसके स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके पास फर्स्ट की इसमें सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर फिनाइल ग्रुप्स है यहाँ पर आपके पास प्लस एम लग रहा है बहुत ज्यादा तीन तीन फिनाइल ग्रुप से आपके पास ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है क्योंकि इसमें तो आपके पास ये क्या है प्लस एच लगा रहे होंगे और हमने देखा था कि प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग सेकंड इसके बाद कौन सा स्टेबल हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा अब थर्ड के बाद आपके पास सेकंड आ जाता है और इसमें कोई भी डांसिंग रेजोनेंस नहीं है आपके पास सिर्फ क्या है नाइन अल्फाहाइड्रोजनस हैं और ये यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट आपका शो करता है पर क्या होता है कि ये एज कंपेयर टू डांसिंग रेजोनेंस आपका स्टेबल नहीं होता है तो ये आपका कहीं लास्ट में आ जाता है फोर्थ वाला और यही आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाता है फॉर द स्टेबिलिटी ठीक है तो आपके पास कहाँ ये ऑर्डर गिवन है टू वन थ्री फोर वन थ्री टू फोर तो वन थ्री टू फोर आपका कहाँ गिवन है यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये आपका किसी में भी गिवन नहीं है और लास्ट में आपके पास गिवन है नन ऑफ दी अब ये आपका आई आपको शो नहीं हो रहा होगा बट लास्ट ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दी तो यही आपको क्या है डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज यहाँ पे कोई भी सही नहीं दिया गया सही क्या है ये ऑर्डर आपका यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर होता है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन तो इसको ध्यान से देखना आप तो यहाँ पर क्या है आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो के तो कार्बो केटाइन की आप स्टेबिलिटी कैसे बताओगे आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन हमें देखना है तो यहाँ पर ये यह प्लस चार्ज है तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं, और इधर पर भी दो हैं। इसी तरीके से इधर पर भी एक हाइड्रोजन और इधर पर भी तो टोटल इस केस में क्या होता है और ये तीन हैं। यहाँ पर टू प्लस टू प्लस थ्री तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितने आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास सेवन अल्फा हाइड्रोजन सेवन ही है ना हाँ सेवन अल्फा हाइड्रोजन आपके पास फर्स्ट केस में आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाला जो है उसमें है आपके पास सेवन अल्फा हाइड्रोजन ठीक है उसी तरीके से जब आप second में देखते हो तो ये है आपके पास प्लस चार कार्बन पर यहाँ पे दो और इधर पर आपके पास एक हाइड्रोजन है तो टोटल यहाँ पर आपके पास क्या है आपके पास थ्री अल्फा हाइड्रोजन निकल कर आते हैं सेकेंड वाला जो केस है उसमें है आपके पास थ्री अल्फा हाइड्रोजन ठीक है इसी तरीके से ऑप्शन थ्री जो है आपका ऑप्शन थ्री आपके पास क्या है ये ये आपका यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये आपके पास यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन टोटल थर्ड में आपके पास कितने आ गए आपके पास टोटल फोर अल्फा हाइड्रोजन आ गए और आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या है यहां पर प्लस चार्ज है और इसके एडजिस्ट सिर्फ आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलता है तो आपके पास इसमें क्या है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलता है और आपके पास यहाँ पर और कोई भी आपके पास डोनेशन इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर ही बताते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आने वाला है तो यहाँ पर जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी तो क्या है यहाँ पे हम इजली बता सकते हैं सबसे ज्यादा किसमें फर्स्ट में फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसके बाद किस पे है आपके पास ये फोर है तो आपके पास थर्ड वाला उससे फोर के बाद तो वाला उसके बाद आ गया. और लास्ट में कौन सा आएगा में यहां पे एक ही है, तो ये वाला आपका मोस्ट स्टेबल मोस्ट डी हो जाता है और ये आपका ऑर्डर निकल कर आ जाता है तो वन थ्री टू फोर ये आपका कहाँ गिवन है वन थ्री टू फोर ये है आपका करेक्ट ऑर्डर तो ये आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए इसके आपके क्वेश्चन क्या हैं बहुत ही ईजी होते हैं और आपको ये क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत अच्छे से करने आने चाहिए अदरवाइज़ क्या होता है इसमें ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो और तो ये आपका किसी भी एग्जामिनेशन में आपका स्कोरिंग आपका यूनिट होता है तो आज हमने अच्छे क्वेश्चंस किए फिर से मिलते हैं हम एक और अच्छे टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच